डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए मैथ्स स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए। तो 12th के लिए जो मैथ्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे और हम लोग डिस्कस करते करते 12 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। चलिए उसकी आइए अब हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, यानी कि हमें गिवन दिया हुआ है फंक्शन, कितना दिया है तो एक्स के पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 और चार ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। पहला है 0 to 1 और दूसरा है पाई बाय 2 से लेकर पाई और 0 से लेकर पाई बाय 2 और तीसरा है नन ऑफ दिज। नन ऑफ दिज का मतलब हुआ इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये चार ऑप्शंस है आपके सामने और आपको बोल रहे हैं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए भाई, ठीक है। यानी कि अब सवाल ये समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल ये रहा है कि एफ एक्स का वैल्यू हमें दिया हुआ है, कितना दिया है एक्स के पावर 100 माइनस साइन एक्स माइनस प्लस साइन एक्स माइनस 1। अब इसमें सवाल ये बोल रहा है कि आप करेंगे क्या इसको, तो ये चार ऑप्शन में से आपको ऐसा ऑप्शन चुनना है। पहले तो इसका एफ डैश एक्स निकालिए, एक बार डिफरेंशिएशन निकालिए। अगर आपने एक बार डिफरेंशिएशन निकाल लिया, एक बार डिफरेंशिएशन निकाल लिया, तो उस डिफरेंशिएशन को निकालने के बाद आपको करना क्या है, तो आपको करना है चेक। अब इस पे चेक करेंगे, इस पे चेक करेंगे, इस पे चेक करेंगे, एक अगर मान लिया जाए कि उसमें चेक करने के बाद आपको क्या आना चाहिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आना चाहिए, मतलब सब में आपको सबका वैल्यू माइनस में आना चाहिए। अगर मतलब कि हम लोग चेक करते हैं ना, तभी ना पता चलता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या फिर क्या है, हम लोग चेक करते हैं तो पता चलता है। इस सवाल में क्या बोल रहा है, आपको क्या चेक करना है, वो चार ऑप्शन दिया हुआ है, बारी बारी से उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। अब चेक करते वक्त जो सा ऑप्शन में से जो जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं, अगर सब माइनस में आ गया, यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, जब हम लोग चेक करेंगे और सबका वैल्यू माइनस में आते जाएगा, तब हम बोलेंगे क्या क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। यानी कि सबसे पहले आप करेंगे क्या, एफ एक्स का जो वैल्यू दिया है वहां से आप चल के एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, तो एक्स के पावर 100 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 100 एक्स के पावर 99, ठीक है। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। और माइनस 1 का कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा, 0 लिखे चाहे नहीं लिखे। अब ये तो आ गया भाई, अब आपको चेक करना है इतना इतना के बीच में, इतना इतना के बीच में, इतना इतना के बीच में, और जिसमें अगर सबका वैल्यू माइनस माइनस में आ गया तो वो हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कि वो हो जाएगा आंसर। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए हम लोगों का, तो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 से छोटा, यानी कि माइनस में आना चाहिए। तो चलिए अब आप चेक आउट करते हैं सब ऑप्शन को। तो पहला वाला ऑप्शन कहां से कहां तक बोल रहे हैं, 0 और 1 के बीच। तो हम लोग 0 और 1 के बीच अगर चेक करेंगे तो कितना कितना पे चेक करेंगे, एट एक्स बराबर मान लिया 0 और 1 के बीच क्या क्या आता है, तो 0 और 1 के बीच 0.1 आएगा, 0.2 आएगा, 0.2 आएगा, 0.3 ऐसे ही ना आएगा, तो यहां पे मान लिया 0.1, 0.2, 0.5 कितना भी ले सकते हैं, लेकिन इसके बीच में।
हम लोग चेक कर रहे हैं, तो चेक करेंगे तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आएगा, तो इस एक्स के जगह पे रखना है 0.1, तो 100 गुना 0.1 का स्क्वायर प्लस कॉस 0.1। ठीक है, आप देखिए इसका वैल्यू कुछ भी होगा लेकिन प्लस में होगा क्योंकि 0.1 है, तो 0.1 का स्क्वायर कुछ भी तो होगा ना, तो 0.1 का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, और इसको 100 कीजिएगा, तो ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा यहाँ पे 1, 0.1 का स्क्वायर 0.01 होगा और उसको 100 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, और प्लस आपको पता है ना कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 रहता तब जाकर 1 रहता, लेकिन 0.1 है तो समथिंग 0.9 के अप्रोक्स होगा, 0.99 समथिंग, तो यहां पे आपको क्या आ रहा है, यहां पे तो पॉजिटिव वैल्यू आ गया, तो जब इतना ही पे पॉजिटिव वैल्यू आ गया तो हम आगे क्यों चेक करेंगे भाई, क्यों चेक करेंगे, क्योंकि हम लोगों को तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चाहिए, तो इसके बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोगों का प्लस में वैल्यू आ गया, कितना लेने पर, तो 0.1 लेने पर, तो 0.2 और 0.5 लेने पर अगर माइनस में आ भी गया तो हम लोगों का तो फिर भी ऑप्शन गलत ना, क्योंकि सबका सब माइनस में आना चाहिए, और आपको गारंटी देते हैं आप खुद से भी 0.2 पे चेक कीजिएगा, 0.5 पे भी चेक कीजिएगा तो आपको पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहां पे तो रख दीजिएगा। अब रहा बात की सर कॉस 0.1 का वैल्यू आप 0.99 कैसे निकाल रहे हैं, तो आप देखो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, इसका मतलब धीरे धीरे ये घटते घटते 0 होता है, तो कॉस 0.1 का वैल्यू होगा 0.99 समथिंग। इसी तरह से जब आप 0.2 पे चेक करेंगे तो आप इसको कॉस 0.2 का वैल्यू 0.98 ले सकते हैं लगभग, वैसे ही 0.5 पे चेक करना होगा तो कॉस 0.5 का जो वैल्यू होगा लगभग 0.87 के करीब होगा। ठीक है, तो आप अगर चेक करना चाहें तो इसीलिए हम आपको कॉस उतना का वैल्यू बता दिए और आप खुद निकालिएगा यहां पे कि पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है। अगर आपको पॉजिटिव आ गया तो पहला ऑप्शन क्या गलत, क्यों गलत, क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए एफ डैश एक्स का वैल्यू, लेकिन एफ डैश एक्स का वैल्यू प्लस 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 आ रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये वैल्यू क्या हो गया, गलत हो गया, समझ रहे ना आप। जी बिल्कुल, तो अब हम लोग आगे ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, तो ये चेक हो गया हम लोगों का, तो नीचे लिख देंगे हियर एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आ रहा है 0 से बड़ा हो रहा है, ये वाला ऑप्शन को हमने चेक किया तो सब वैल्यू किसमें आया, प्लस 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 में आया, इसलिए यहां पे हम लोग लिखेंगे हियर उसके नीचे कि एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा हुआ, सो इट इज रॉन्ग, ये गलत है, ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि हमको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला है सवाल में, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। तो चलिए अब ए ऑप्शन तो गलत हो गया, अब बी ऑप्शन चेक कर दें। चलिए ऑप्शन नंबर बी, कितना कितना के बीच में चेक करना है हमें, तो पाई बाई टू और पाई के बीच में, देखते हैं कि इसके बीच में चेक करते हैं तो माइनस में आता है कि नहीं, अगर माइनस में आ गया तो फिर ये करेक्ट हो जाएगा। तो अब इसके बीच में कितना कितना पे चेक कर लेते हैं, एट एक्स बराबर 2-3 पॉइंट पे चेक कर लेते हैं लगभग। ठीक है, तो एट एक्स बराबर आप चेक कर लो, चूंकि ये तो छोटा ब्रैकेट है ना, छोटा ब्रैकेट का मतलब इसको नहीं लेना रहता है, ये 90 है और ये 180 है, तो 90 और 180 के बीच में हम 120 डिग्री भी तो ले सकते हैं, 135 डिग्री भी तो ले सकते हैं, 150 डिग्री भी तो ले सकते हैं ना भाई, कि नहीं ले सकते हैं। जी बिल्कुल ले सकते हैं, तो आप 120 पे चेक करो, 135 पे चेक करो और 180 पे चेक करो, तो यहां से एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आ रहा है 100 गुना एक्स के पावर 99, तो एक्स की जगह पे कितना 120 के पावर 99।
आप समझ रहे हो ना ये कितना बड़ा वैल्यू है, 100 से गुना करना है, 120 को 99 बार गुना करना है, ये बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, प्लस कॉस 120, ठीक है, कॉस 120। तो कॉस 120 का वैल्यू कितना होगा आप देख पा रहे होंगे, तो यहां पे तो ये तो समझ रहे हैं कितना बड़ा वैल्यू है, बहुत बड़ा वैल्यू है, और इसका हम अगर कितना भी गुना भागा करेंगे तो ये तो प्लस में देगा, और प्लस में सबसे ज्यादा बड़ा वैल्यू होगा ये वाला, देख पा रहे होंगे ना आप एकदम अच्छे तरीके से सोचो, 120 के पावर 99, इसका मतलब समझ रहे हो ना, 120 गुना 120 गुना 120 गुना 99 बार करना पड़ेगा, तो समझ रहे हो ये तो प्लस में आएगा पहली बात, और बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, ठीक है। और दूसरी बात कि इधर क्या है 120, तो 120 का हम वैल्यू बता देते हैं कि 120 का वैल्यू कितना होता है, तो एक कॉस 120 का जो वैल्यू आता है वो माइनस में 1.2 आता है, देखिए लीजिए माइनस में 1.2, यानी कि इसका जब आप करेंगे तो ये प्लस में आएगा, बहुत बड़ा वैल्यू आएगा लेकिन प्लस, ठीक है, और इसका करेंगे तो माइनस में आएगा कितना 1/2, यानी आप सोचो कि ये बहुत बड़ा वैल्यू है और उसमें से 1/2 को सिर्फ घटा देना है, घटाएंगे तब पर भी तो मेरा पॉजिटिव वैल्यू बनेगा क्योंकि बहुत बड़ा वैल्यू है और इसमें 1/2 को घटाना, 1/2 का मतलब 0.5 ना, और 0.5 को घटाना तो आप खुद समझ रहे हो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो यहां से भी तय हो गया कि भाई ऑप्शन नंबर बी भी क्या है गलत है, क्योंकि हम लोगों को पॉजिटिव में आ गया, क्या आना चाहिए था निगेटिव आना चाहिए था क्योंकि 0 से छोटा बोल रहा था सवाल में, तो इसलिए ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम लोग जरा 135 पे चेक करते हैं, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना, तो 100 गुना एक्स के पावर 99, तो एक्स के पावर बने 135 के पावर 99, अब देख पा रहे हो ना कितना बड़ा वैल्यू है 99 प्लस कॉस 135। हम जानते हैं कि ये वाला जो वैल्यू है वो बहुत बड़ा वैल्यू है और प्लस में आने वाला है, इसको जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा 135 गुना 135 गुना तो प्लस ही देगा ना, और 100 से गुना करेंगे तो प्लस में आएगा लेकिन बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, लेकिन कोस 135 का वैल्यू सिंपल सा -1/√2 होता है, और जब इसको घटाएंगे उतना बड़ा वैल्यू में से, ये बड़ा वैल्यू है और बड़ा में से अगर 1/√2 को अगर घटाएंगे तो आप सोच पा रहे होंगे कि छोटा वैल्यू को घटाएंगे, बड़ा में से छोटा घटता है तो पॉजिटिव ही होगा ना, आप 150 भी चेक कर सकते हैं, हालांकि अब आपको जरूरत पड़ेगा कि सर 150 का वैल्यू कितना होता है, तो हालांकि ये सब चीज जो है ना हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, तो कॉस 150 का वैल्यू होगा -√3/2 होता है, तो आप इन चीजों को भी इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो इतने चीज को चेक करने के बाद पता चल रहा है हियर एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 होना चाहिए था, लेकिन हियर क्या हो रहा है, यहां बड़ा हो जा रहा है 0 से बड़ा हो जा रहा है, सो इट इज रॉन्ग, दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन कोई बाकी है, अब इसको हम लोग चेक कर लेंगे, अगर ए भी नहीं होगा, तीसरा वाला भी गलत हो गया, तो फिर ऑप्शन नंबर डी को कर देंगे, जिसका मतलब होता है नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं कब टिक करते हैं, जब ऊपर का जितने भी ऑप्शन गलत है, तो अभी तक के तो 2 गलत हुआ, सी ऑप्शन को चेक करते हैं, क्योंकि ऐसे सवालों में आपको चेक करना ही पड़ेगा, किसी को लग रहा होगा क्या सर इतना लंबा चौड़ा कहानी, तो लंबा चौड़ा है नहीं कुछ, आप उसको बस चेक करना है उसके वैल्यू को रखकर। जरा दिखाते हैं नेक्स्ट सी ऑप्शन को चेक करें, तो उसके नीचे आप सी ऑप्शन लिख लीजिएगा, कितना कितना के बीच में बोल रहा है, तो 0 से लेकर π/2 के बीच में बोल रहा है, अब 0 का तो मतलब समझ ही रहे 0, और π/2 का मतलब कितना 90 डिग्री, अब 0 से लेकर 90 बोल रहा है, इसका मतलब इसको लेकर के छोड़कर, तो छोड़कर क्योंकि छोटा ब्रैकेट है, तो 0 पर चेक नहीं करना भाई, 0 पर चेक नहीं करना, आप 1 पर चेक कर लो, 2 पर चेक कर लो,
89 पे चेक कर लो, लेकिन 90 पे चेक नहीं करो क्योंकि ये छोटा ब्रैकेट है। तो हम यहां पे चेक करते हैं एट x बराबर 30 डिग्री पे, x बराबर 45 डिग्री पे, x बराबर 60 डिग्री पे, ठीक है। तो जब x बराबर 30 लेंगे तो f डैश x का वैल्यू कितना होगा, तो x के जगह पे हम लोग 30 रखेंगे, तो 100 × 30^99 प्लस cos 30। तो आप बताओ कि ये जो बड़ा वैल्यू है 30 को 99 बार गुना करना, फिर 100 से गुना करना, तो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा किसमें, प्लस में, और फिर इसको ऐड करना है। और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 का वैल्यू याद होगा प्लस में होता है √3/2। तो कुछ भी होगा प्लस प्लस का जोड़ करते हैं, जैसे 4 को जोड़ो और 5 को जोड़ो तो कितना होता है, प्लस में ना आंसर आता है। तो यहां से तो हमको पॉजिटिव रिजल्ट दे दिया। जब हम इसके बीच में चेक करने बैठे तो हमें क्या दे दिया, पॉजिटिव रिजल्ट। आप चाहो तो 45 पे भी चेक कर सकते हो, 60 पे भी चेक कर सकते हो, लेकिन दोस्तों हमें फायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग यहां पे काम करेंगे तो पहला बात तो टाइम वेस्ट होगा, समय बर्बादी होगा। हालांकि सवाल क्या बोला हमें कि इस ऑप्शन में से उस ऑप्शन को छांटो जो उतना उतना के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए, यानी कि 0 से छोटा आ जाए उसके बीच के वैल्यू पर। तो इसके बीच के वैल्यू पर जब हम चेक करने बैठे तो पहली बार में पॉजिटिव आ गया, तो क्या मतलब है कि और हम आगे चेक करते चले जाएं? कुछ नहीं फायदा होगा, क्योंकि हम लोगों को तो निगेटिव चाहिए, यहां आ क्या गया पॉजिटिव। तो इसलिए अगर आपकी इच्छा है तो आप आगे भी 45-60 पे चेक कर लीजिए, हम यहां से सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं, वो भी चीजें प्लस में आएंगी। उसके फिर नीचे आप लिख दीजिएगा हियर f' x का वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है, यानी कि प्लस में आ रहा है, सो इट इज रॉन्ग, यानी कि तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। जब तीनों ऑप्शन गलत तो 4 ऑप्शन में जब 3 ऑप्शन गलत तो चौथा ऐसे भी सही हो जाएगा, तो उसके नीचे लिखेगा हेंस अतः ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है, यानी कि हमें सवाल बोल रहा था एटेक्स का वैल्यू दिया था और इसको चेक करने के लिए बोला जा रहा था कि किसमें चेक करें कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए, यानी कि 0 से छोटा है। दोस्तों हम लोगों ने चेक किया, किसी भी ऑप्शन में नहीं आया, सब में पॉजिटिव आ गया, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नॉन ऑफ दिस का मतलब ये तीनों में से कोई नहीं, ठीक है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके का 13 नंबर क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है। चला जाए 14 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखा जाए। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए, ए का छोटा से छोटा मान ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा, ए का छोटा से छोटा मान ज्ञात करना है। फंक्शन दिया है, फंक्शन क्या दिया है, गिवन fx इज इक्वल टू, fx का वैल्यू दिया है कितना, x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, ठीक है, ये वैल्यू दिया है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 और 2, ठीक है। चलिए तो सवाल हम लोगों का कंप्लीट हो गया। सवाल क्या बोल रहा है जरा देखिए, इस सवाल में एफएक्स का वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इसके लिए क्या बोल रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कितना कितना के बीच, तो 1 और
टू के बीच, वन और टू के बीच, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए का वैल्यू ऐसा निकालिए, ए का जगह पे क्या रखा जाए, एक दो तीन चार कुछ रखा जाए ना, क्या रखा जाए कि जो एक का मान यहां पे रख देने से ये इफेक्ट जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा वन और टू के बीच, वन और टू के बीच। सबसे पहले एफ एक्स है तो उससे एफ डैश एक्स निकालिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x प्लस ए का कितना होगा, एक्स का कितना होगा, तो एक्स का बनेगा ए, और वन का कितना होगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है। सिंस चूंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये कहां से भाई, तो हमें गिवन है सवाल में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। तो हमने एफ डैश एक्स के जगह पे रख दिया, क्या रख दिया, तो 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0। हम क्या बताए भाई कि अगर यहां पे प्लस ए होता तो उधर जाता, तो यहां पे क्या होता 2x माइनस ए, सॉरी 2x माइनस ए। अब x के आगे क्या है 2, तो 2 एक पॉजिटिव वैल्यू है, 2 से इधर भाग कर देंगे। देखिए हम आपको एक और चीज बताए हैं कि अगर माइनस से भागा होता तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, लेकिन यहां पे माइनस नहीं है, यहां पे तो 2 प्लस वैल्यू है ना, तो x माइनस ए बटा में 2। देखिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि सर यहां पे तो आप इनइक्वालिटी का साइन बदले नहीं, कुछ नहीं किए, तो भाई मेरे आप यहां पे देख लो कि ये जो वैल्यू आ रहा है ना एक्स का, वो कहां से कहां तक के बीच में, तो माइनस वन बटा टू के बीच में। यानी कि आप यहां से समझो फिर से कि यहां तक तो ठीक है भाई, प्लस ए उधर गया तो माइनस बन गया, लेकिन एक्स के बगल में क्या है 2 है, और एक्स का वैल्यू निकालने के लिए 2 इधर भागा में चला जाएगा, तो 2 भागा में जाएगा जरूर, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा, मतलब ऐसे है तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस से थोड़े ना भाग कर रहे हैं आप, तो 2 एक पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस है, इसलिए यहां पे एक्स साइन वही का वही रहेगा, माइनस ए बटा 2 बन जाएगा, ठीक है। और हम लोग दोस्तों पढ़े हुए हैं कि एक्स के तरफ अगर मुंह खुला हुआ रहता है तो इसको क्या लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं ए से लेके इन्फिनिटी तक, नहीं लिख सकते क्या भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पे सो आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, माइनस ए बाई टू से लेकर इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना, एक्स के तरफ जब मुंह खुला रहता है तो ऐसे लिखते हैं, ना, तो यहां पे माइनस ए बाई टू था तो माइनस ए बाई टू लिख दिया। अब देखिए यहां से आपको ए का चूंकि मान निकालना है तो इंटरवल को, इस वाले जो इंटरवल है वन और टू, इस इंटरवल को मान लीजिए 1 और इस इंटरवल को मान लीजिए 2, 2 इंटरवल है अब इस दोनों इंटरवल में लीस्ट वैल्यू कौन है, लीस्ट का मतलब होता है छोटा, लीस्ट मतलब छोटा, तो यहां पे लिस्ट वैल्यू कितना है 1, 1 जो है लिस्ट वैल्यू है, तो यहां पे लिस्ट वैल्यू क्या होता है, तो माइनस ए बाई टू। तो इंटरवल 1 एंड 2 से जैसे वहां पे समीकरण इक्वेशन होता है, इक्वेशन 1 एंड 2, उसी तरीके से यहां हम लोग इंटरवल को मान लिए हैं। तो यहां से आपको दिख पा रहा होगा इंटरवल, इंटरवल 1 एंड 2 दोनों इंटरवल को देखिए तो दोनों में लिस्ट वैल्यू कितना है, लिस्ट वैल्यू का मतलब छोटा मान, इसमें छोटा मान कितना है 1
और दो वाला इंटरवल में छोटा मान कितना है माइनस एक बटा दो, तो दोनों में छोटा मान इक्वल होगा ऐसा सवाल बोला है कि लिस्ट वैल्यू ही निकालो, तो दोनों में लिस्ट वैल्यू सेम होना चाहिए, यानी कि कितना है वहां पे वन इज इक्वल टू यहां पे लिस्ट वैल्यू माइनस ए बाय टू। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां से हम देख पा रहे होंगे वन को तो वन बटा वन लिख सकते हैं, इसको क्रॉस करेंगे तो माइनस ए बराबर टू, इसलिए ए का वैल्यू हो जाएगा माइनस टू। तो दोस्तों यही है वो ए का मान जिस पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा वन एंड टू के बीच में इंटरवल में, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमें ए का वैल्यू निकालना था, तो यहां तक के हम लोगों का आंसर हो गया, यही हो गया आंसर। तो कुछ इस तरीके से सवालों को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वन पे, सॉरी फिफ्टीन पे, पंद्रह पे। देखिए पंद्रह नंबर सवाल क्या बोल रहा है, लेट आई बी एन इंटरवल डिसज्वाइंट माइनस वन टू वन। देखिए अब क्या बोल रहे हैं पंद्रह नंबर में, इंटरवल डिसज्वाइंट बोला है, डिसज्वाइंट बोल दिया ऑन फ्रॉम माइनस वन टू वन। देखिए अब आपको इसका मीनिंग समझना चाहिए कि ये जो बोला ना, क्या बोला भाई, तो ये बोल दिया क्या, तो माइनस वन से वन तो है और उसके पहले लिख दिया डिसज्वाइंट, ये डिसज्वाइंट। अगर आप इसका मीनिंग नहीं समझेंगे तो आप तो जब चेक करना होगा तब आप कितना से चेक कीजिएगा, माइनस वन भी रखिएगा, वन भी रखिएगा और इसके बीच के वैल्यू भी रखिएगा, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि जहां पर भी बड़ा ब्रैकेट रहता है ना तो उसको चेक करने में शामिल कर सकते हैं, लेकिन छोटा ब्रैकेट रहेगा उसको हम लोग शामिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां पर उसके पहले लिख दिया डिसज्वाइंट। डिसज्वाइंट का मीनिंग होता है, ज्वाइंट का मतलब क्या, जैसे मान लिया ये दोनों को ज्वाइंट करो तो ज्वाइंट का मतलब जोड़ना, डिसज्वाइंट का मतलब छूटना हटना, समझ में आ रहा है, तो डिसज्वाइंट का मतलब हट जाना, ज्वाइंट बने जुड़ जाना, यहां पे बोला डिसज्वाइंट। डिसज्वाइंट का मतलब होता है माइनस वन को और वन को छोड़ देना, हटा देना, इसका मतलब और करके लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू ऐसे है माइनस वन से वन, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब ये अगर ये चीज नहीं बोलता, ये चीज नहीं बोलता तब हम लोग को इसका मतलब ये समझ में आना चाहिए कि माइनस वन पे भी चेक कर सकते हैं, वन पे भी चेक कर सकते हैं जब चेक करने की बात आएगी तो, लेकिन उसके पहले डिसज्वाइंट बोल दिया, तो डिसज्वाइंट जब बोल दिया तब हम लोग इस मामले पे चेक नहीं करेंगे, उसको छोड़कर चेक करेंगे, माइनस वन और वन को छोड़ के उसके बीच के वैल्यू पे चेक करेंगे, ठीक है। तो एक छोटी सी बात जो हम लोगों की बहुत बड़ी बात सिखाती है, क्योंकि जब भी हम लोग चेक करने बैठेंगे तो ये गलती यहां पे इस सवाल में नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहे, प्रूव दैट, अब फिर इसके आगे क्या बोल रहे, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एफएक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एस टी आर मतलब स्ट्रिक्टली, आई एन सी मैंने इंक्रीजिंग, ठीक है। तो आराम से हम लोग काम किया जाए, देखो भाई एफ एक्स का जो वैल्यू है ना इसको चेक करना है, इसको बताना है, प्रूफ करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कितने कितने के बीच में, माइनस वन टू वन को छोड़कर। तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे,
तो सबसे पहले आप बोलो कि चेक करने के लिए तो पहली बार डिफरेंशिएशन करने की जरूरत है, एक बार तो डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स का मतलब पहली बार डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा वन, और वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई, तो वन बाई एक्स को आप लिख सकते एक्स के पावर माइनस वन, और माइनस वन का डिफरेंशिएशन माइनस वन पहले आ जाता है और x के पावर एक घट जाता है, तो माइनस एक तो पहले से ही है तो माइनस टू, इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस एक बटा एक्स स्क्वायर, ये जब नीचे आएगा तो एक्स स्क्वायर, यानी x का डिफरेंशिएशन वन और वन बाई एक्स का होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, देख पा रहे होंगे ये डिफरेंशिएशन होता है। अब जब डिफरेंशिएशन हो गया तो हम चूंकि प्रूफ करना है ना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, तो प्रूफ कब होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, जब एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा आते जाएगा, जीरो से बड़ा आते जाएगा तब हम बोलेंगे कि ये मेरा प्रूफ हो गया। चलिए देखते हैं, तो यहां पे जब हम लोग चेकआउट करेंगे कितना कितना पे चेक कर लेंगे भाई, तो एट एक्स बराबर हम तीन वैल्यू पे चेक करते हैं, कितना कितना के बीच में, तो माइनस वन और वन के बीच में, तो माइनस वन और वन के बीच में क्या आता है, तो जीरो भी आता है, 0.5 भी आता है, माइनस में 0.5 भी आता है, माइनस में 0.6 भी आता है। हम इसको चेक करने वाले हैं सिंपल इतना इतना के बीच में 0.2 माइनस 0.5 0.6, आप इसके बीच में कोई सा भी वैल्यू लेकर चेक कर सकते हैं। अब सब में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करना है तो सबका वैल्यू प्लस में आना चाहिए तभी ना प्रूफ होगा। चलिए तो प्रूफ करने के लिए यहां पे हम लोग चेकआउट करते हैं कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो क्या आता है, तो एफ डैश एक्स एक्स की जगह पे कितना रखना भाई 0.2, तो यहां तो रख दिया 1 माइनस 0.2 का स्क्वायर, 1 का 1 रख दिया माइनस 1 बटा 0.2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 0.04 ठीक है, और 1 माइनस 1 में अगर 0.04 से अगर डिवाइड किया जाए, 1 में अगर इतना से भाग किया जाए तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसको भाग करने से 25 आता है, और एक में से 25 को घटाएंगे तो आपको पता होना चाहिए माइनस में आ जाएगा, माइनस वैल्यू ठीक है। उसी तरीके से इस बार हम लोग कितना पे चेक कर रहे हैं, माइनस में 0.5 पे चेक कर लो भाई, एफ डैश एक्स 1 का तो 1 रखना है, माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर यानी कि माइनस में 0.5 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 बटा ये कितना है, तो 0.5 का स्क्वायर का मतलब 0.25 ठीक है। तो यहां पे आपको दिखाई दे देगा कि 1 का तो 1 है और माइनस इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से 4 आएगा, 1 में आप 0.25 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और इसको घटाएंगे तो माइनस में आएगा वैल्यू, माइनस 3 आएगा तो माइनस में हुआ, सॉरी एक मिनट कहीं गलती तो नहीं ना कर रहे, क्योंकि हमें तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूफ करना है, एक मिनट, x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और i स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करना है, तो हम लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक तो कर रहे हैं, माइनस 1 से 1 तो 0.2 हम लोग रख रहे हैं, फिर से रखेंगे इसको 1 माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कितना वैल्यू आ रहा है 0.2, और 0.2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 0.04, और 0.04 में अगर निगेटिव वैल्यू आ रहा है तो यहां पे कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है, यहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करना है तो सही तो कर रहे हैं ना हम लोग, इतना वैल्यू रख रहे हैं तो माइनस ना, लेकिन प्रूफ क्या करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सवाल तो सही लिखा है। अच्छा अच्छा एक मिस्टेक किया है दोस्तों, यहां पे समझिएगा क्या, हम जो है एक बहुत भारी मिस्टेक कर रहे हैं,
डिसज्वाइंट का मतलब जो भी हम लोग पढ़े कि इसको लेना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस वन और वन को छोड़ देना है, को छोड़कर। ध्यान रखिए यहां पे, इस बात को आप कहीं नोट ही कर लीजिएगा। डिसज्वाइंट का मतलब होता है छोड़ देना, यानी माइनस वन को भी छोड़ दीजिए, वन को भी छोड़ दीजिए, इसको छोड़कर बाद बाकी वैल्यू है। छोड़कर कौन कौन सा बचेगा, तो वन से बड़ा वैल्यू यानी कि माइनस वन भी नहीं लेना, वन भी नहीं लेना, उसके बीच का भी नहीं लेना। इसका मतलब ये हुआ, वही हम लोग गलती कर रहे हैं यहां पे। वन को छोड़कर का मतलब ये है, इतना को छोड़कर का मतलब वन से बड़ा ले सकते हैं, दो तीन चार पांच छ, और माइनस वन तक के छोड़ना है, यानी जिसको हम लोग पकड़े हैं उसको छोड़ देना। इसका गलत मीनिंग हम लोग समझ लिए। डिसज्वाइंट का मतलब उसको हटा देना, नंबर लाइन बनाते हैं ना, तो उसको हटा देना है। जैसे मान लिया ये नंबर लाइन बना, यहां जीरो, यहां एक दो तीन चार, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन। तो करना क्या है, आप जो है डिसज्वाइंट का मतलब फिर से समझिए, और यही हम लोगों का गलत हो रहा है, इसके वजह से हम लोगों का प्रूफ नहीं हो रहा, और हम भी थोड़ा सा भूल गए थे। फिर बाद में पता चला कि हमको थोड़ा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आना चाहिए, पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, तो उसका मीनिंग हम लोगों ने गलत समझ लिया। तो सो सॉरी, आप इसको सुधार लीजिएगा। नंबर लाइन पे माइनस वन और वन कहां आता है, तो माइनस वन और वन इतना आता है, तो इसको लॉक कर देना है, इसको लॉक कर देना है, इसको छोड़ देना है, डिसज्वाइंट। अब इसमें कहां कहां ले सकते हैं, तो वन से बड़ा ले सकते हैं, जैसे 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 1000, 1 लाख ले सकते हैं चेक करने के लिए, और इधर भी ले सकते हैं, क्योंकि छोड़ना किसको है, सिर्फ माइनस वन और वन को डिसज्वाइंट कर देना है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या गलती की है, किसके इसको सिर्फ छोड़ दिया, उसके बीच का ले लिया, तो उसके बीच का भी नहीं चलने वाला है। डिसज्वाइंट का मतलब उसको पूरा को रिजेक्ट, पूरा को छोड़ देना है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या ले सकते हैं, तो माइनस 1.1, माइनस 2, माइनस 3 इधर ले सकते हैं। तो सो कि हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर गए समझने में, चलिए फिर से हम लोग इसको सुधार करते हैं और देखते हैं। देखिए यही चीजें होती है, जब हम लोग को प्रूफ करना होता है ना, तो ये चीजें हमारे लिए आसान बन गई। क्यों, क्योंकि हमने तो प्रूफ कर रहा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हम भी वही सोच में पड़े कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जब प्रूफ करना तो पॉजिटिव आना ना, पॉजिटिव आना, लेकिन हमको आ रहा था नेगेटिव, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है, तो दिक्कत है यहाँ पे। चलिए, तो अब x का वैल्यू कहाँ कहाँ चेक कर सकते हैं भाई, तो इतना को तो छोड़ देना है, तो बाद का ले लो 2, कोई दिक्कत नहीं, इधर ले लो माइनस में 2, इधर ले लो माइनस में 4, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना के बीच में नहीं होना चाहिए, और इतना को छोड़कर, साफा बोल रहा है डिसज्वाइंट का मतलब इसको हटा दो नंबर लाइन से, और बाकी जो बचेगा उसको लेना है। तो इतना को छोड़कर चेक करना है, चेक कर लिया, तो अब एफ डैश एक्स अच्छा से देखो, तो वन है, तो वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर कितना 4, तो वन माइनस वन को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25, और जब इसको घटाएंगे तो 0.75, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। अब देखो हम लोगों का सही है, और बहुत मजा आ रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। फिर 1 माइनस 1 बाय माइनस 2 पे चेक कर रहे हैं, तो माइनस 2 का होगा स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 बाय माइनस 2 का स्क्वायर भी तो 1/4, और इसको भी घटाएंगे तो कितना वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू माइनस 4 है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय माइनस 4 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1/16, तो एक में अगर 16 से डिवाइड किया जाए तो लगभग कितना आएगा, 1 माइनस 0.6 समथिंग, 0.06 समथिंग आएगा। ठीक है, तो 0.06, तो लगभग इसमें कितना आएगा, 0.94 लगभग। ठीक है, तो ये भी कितना आया, पॉजिटिव वैल्यू। तो यहां से अब आपको देखने से पता चल रहा है, क्या देखने से पता चल रहा है, तो इतना चीज मिटाएंगे, आप इसको जरूर याद से लिख लीजिएगा डिसज्वाइंट का मतलब।
तो यहां से हमें पता चल रहा है कि हियर जो एफ डैश एक्स का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, जीरो से बड़ा आ रहा है। तो जब जीरो से बड़ा आ रहा है इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि सो इट इज स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा था, बस अंते आपको याद रहना चाहिए कि डिसज्वाइंट का मतलब क्या होता है। और डिसज्वाइंट का मतलब भूल जाएगा तो फिर वही मेरे जैसा गलती कीजिएगा। तो इन चीजों को सतर्कता बरतते हुए आपको याद कर लेना चाहिए कि किस सिचुएशंस में हमें कौन सा काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16। और ध्यान दीजिएगा अच्छे से क्वेश्चन, क्योंकि 16 नंबर जो हम बताने वाले हैं फिर 17 नंबर हम नहीं बताएंगे, क्योंकि 16 नंबर और 17 नंबर दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। 16 नंबर और 17 नंबर दोनों ही एक जैसा ही है। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। देख लो, एफ एक्स का गिवन है, गिवन क्या है, गिवन कि लॉग कॉस एक्स। एफ एक्स का वैल्यू क्या है, लॉग कॉस एक्स। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और हाँ, अब क्या बोल रहे हैं, वी हैव टू प्रूव दैट, प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। कितना कितना के बीच, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, सवाल बोला है कि आपको चेक करना है, सॉरी प्रूफ करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन कितना कितना के बीच, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भाई, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए जीरो से लेकर पाई बाय टू के बीच। ठीक, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए पाई बाय टू से पाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सवाल क्या बोला, बढ़िया से देखिए सवाल, यानी कि यहां पे दो दो चीजें प्रूफ करनी है। सवाल एक ठो दिया है, देख पा रहे होंगे, सवाल एक ही ठो दिया है और हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। कौन सी प्रूफ, वन सेकेंड जस्ट नाउ, चलिए। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे प्रूफ करना है, सवाल एक ठो दिया है, एफ एक्स का वैल्यू दे दिया लॉग कॉस एक्स। अब हमें प्रूफ करना है दो चीजें, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जैसा 16 नंबर में हम अभी काम करने वाले हैं 17 नंबर हम बिल्कुल नहीं टच करेंगे, वो आपको खुद से करना होगा। सवाल में लिखा हुआ है 16 नंबर में कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन जीरो से पाई बाई टू और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई टू टू पाई। ठीक है, सबसे पहला यहां पे दो दो चीज तो हमें चेक करना है, ये तो गारंटी है, लेकिन सवाल तो वही एक ही है एफएक्स, तो करेंगे क्या, सिंपल एफएक्स जो है उससे आप डिफरेंशिएशन कर लो, समझो अच्छे से, एफएक्स का जो वैल्यू है उसका आप क्या कर लो, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको अलग अलग सिचुएशन में चेक कर लेना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इस पे चेक कर लेना, चेक करने के बाद ऑलरेडी ओ प्लस में आएगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव हो जाएगा। जब इतना इतना के बीच में चेक करेंगे यानी कि पाई बाई टू और पाई, यानी कि 90 और 180, 90 और 180 के बीच में जब आप चेक करेंगे तो इसका वैल्यू खुद आ जाएगा माइनस में, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा।
तो नाउ सबसे पहले हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना। अब एफ डैश एक्स कैसे निकलेगा, तो डी लॉग के अंदर कॉस एक्स है, तो लॉग के अंदर जो कुछ भी होता है चैन रूल तो भूले नहीं होंगे ना, लॉग के अंदर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में, और कॉस एक्स को फिर ऊपर लाएंगे तो फिर एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका जो एफ डैश एक्स का वैल्यू हो गया, एफ डैश एक्स का वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, लॉग एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में वन बाई एक्स होता है, तो यहां हो गया वन बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, हाँ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन एक्स होता है ना भाई, माइनस साइन एक्स। अब यहां पे देख लो ये तो माइनस हो जाएगा, और साइन एक्स बटा कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो गया, यानी कि एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया, क्या आ गया, माइनस में टेन एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले पता, अब हम लोग चेक करने वाले हैं कहां से कहां तक, इन इंटरवल जीरो से लेकर पाई बाई टू इतना पे चेक करने वाले हम लोग। अगर इतना पे चेक करेंगे, अगर सबका वैल्यू प्लस आते जाएगा, हम बोल देंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन सवाल तो सही है ना 16 नंबर में, ओ सेट ऐसा होता ना गलती यार, कहना नहीं है 16 नंबर में 17 वाला उतार दिए, अब 17 वाला 16 में, तो लॉग साइन एक्स है 16 में, तो यहां लॉग साइन एक्स को साइन एक्स करेंगे, यहां पर भी साइन एक्स करेंगे, आज इतना गलती हो रहा है ना, साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स का क्या हो जाएगा, वन बाई साइन एक्स। ठीक है, और साइन एक्स का हो जाता है डिफरेंशिएशन क्या, कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कॉस बाई साइन क्या बन गया, कॉटेक्स बन गया ना। ठीक, अब हमें एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया कॉटेक्स। ठीक है, अब जो एफ डैश एक्स का वैल्यू आया, अब उसको बारी बारी से चेकआउट कर लो, तो अब हम लोग ऊपर से मिटाते हैं फिर, और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या करेंगे हम लोग, तो अब हम लोग करेंगे चेक करने वाले हैं इन इंटरवल कहां से कहां तक, जीरो टू इन इंटरवल जीरो से पाई बाय टू, तो जीरो से पाई बाय टू चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, तो हम लोग चेक कर लो एट एक्स बराबर कितना पे चेक करोगे, तो जीरो और नब्बे के बीच में आप तीस पे चेक कर लो, पैंतालीस पे चेक कर लो, और साठ पे चेक कर लो। भाई हमने साठ पे चेक किया, इतना पे चेक कर लो, देखो क्या आता है, तो यहां पे अगर एक्स बराबर थर्टी पे, तो एफ डैश एक्स कितना होगा, तो कॉट एक्स, तो एक्स के जगह पे थर्टी, तो कॉट थर्टी, और कॉट थर्टी का वैल्यू कितना होगा, कॉट थर्टी का वैल्यू हो जाता है आपका रूट थ्री ना, हाँ रूट थ्री, तो रूट थ्री का मतलब क्या, पॉजिटिव वैल्यू, प्लस में आ रहा है। ठीक है, फिर वैसे ही आप क्या कर लो, 45 पे चेक कर लो, तो एफ डैश एक्स दैट मीन्स कोट 45, इट मीन्स 1, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू। नाउ अगेन एड एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कोट 60, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट 60, दैट इज 1 बाय रूट 3, एंड इट इज पॉजिटिव वैल्यू। नाउ हियर यू कैन शो कि सभी चीजें प्लस आ रही है, हियर एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है जीरो से बड़ा आ रहा है, सब पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, सो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन जीरो से पाई बाय टू, दैट इज प्रूव्ड, ये आपका प्रूव हो गया। अभी आप खुश नहीं हुई क्योंकि इसमें एक और सवाल है प्रूफ करने वाला। ठीक है, वो कौन सा सवाल, इस बार अगेन
अगेन चेक करने वाले हैं, लेकिन इस बार कहां से कहां तक इंटरवल भाई? तो इस बार इंटरवल बदल गया पाई बाय टू से लेकर पाई तक, और ये छोटा है चिन्ह तो इसको छोड़ देना है। यानी कि इस बार हम चेक कर लिए कितना कितना पर, जरा दिखा देते हैं। हमने चेक किया पाई बाय टू है ना, तो हमने चेक किया 120 पे, 150 पे, इतना पे चेक कर लिया। तो इतना पे जब हम लोग चेक करेंगे, दो ही पे चेक करते हैं, देखते हैं कितना कितना वैल्यू आता है। ठीक है, ये तो गारंटी है कि यहां पे निगेटिव वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो जब आप यहां पे चेक करेंगे तो x बराबर 120 पे, तो यहां हो जाएगा कितना, cot 120। और cot 120 का वैल्यू कितना कैसे निकालेंगे, तो cot 120 को ना लिख सकते हैं cos 120 बटा sin 120। ठीक है, और यहां पे cos 120 का वैल्यू कितना, तो -1/2, और इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू हो जाता है √3/2, इसका वैल्यू हो जाता है। तो कोस के जगह पे और इसके जगह पे रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है, -1/√3, दैट मीन्स निगेटिव वैल्यू। उसी तरीके से जब x इज इक्वल टू 150 पे आप चेक करेंगे, दैट इज क्या बनेगा, cot 150। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 150, तो cot 150 मीन्स cos 150 by sin 150, and what is the value of cos 150, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस में √3/2, एंड इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। दैट मीन्स टोटली वैल्यू ऑफ cot 150 इज -√3, दैट मीन्स -√3, दैट इज अ निगेटिव वैल्यू। तो यहां पे हियर यू कैन सी कि एफ डैश एक्स का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। सो हियर एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से छोटा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल पाई बाय 2 to π, राइट, प्रूव्ड। तो टोटली मिलाकर जिस तरीके से 16 नंबर हम सवाल को प्रूफ किए हैं, 17 नंबर सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ऐसे ही प्रूफ करना है, ऐसे ही शो करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्या बोल रहा है और कहां से कहां तक के बीच में लिया हुआ है, लेना है कहां से कहां तक के बीच में, क्या प्रूफ करना है। तो इस तरीके से आप 17 नंबर खुद बनाइएगा। अब हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन इसमें छोड़े 17 नंबर, वो भी आपके लिए, और 16 नंबर पे ही जैसा बनेगा 17 नंबर पे, 17 नंबर वाले क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रूव दैट फंक्शन इतना इतना इज स्ट्रिक्टली इन इंक्रीजिंग इन आर, देखिए सवाल क्या बोल रहा है, हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एफ एक्स का इज इक्वल टू, क्या दिया, एफ एक्स का इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस हंड्रेड इज इंक्रीजिंग, ये प्रूव करना है। अब किस वैल्यू पे चेक करना है, ये वैल्यू नहीं दिया, ध्यान दीजिएगा, ये हमें नहीं बोला कि कितना मान पे आप चेक करो कि इंक्रीजिंग हो जाए। तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा हो और बराबर भी हो, राइट नाउ। तो यहां पे आप सबसे पहले चेक करने के लिए कुछ नहीं बोला, तो आप कुछ से भी चेक कर सकते हो। तो एफ डैश एक्स निकाल लो क्या होगा, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x², इसका वैल्यू कितना, तो 6x, इसका वैल्यू 3, राइट, ये तो 0, ठीक है, देख पा रहे ना। अब यहां से आप देख पा रहे होंगे कि x के कोई वैल्यू पे आप चेक कर सकते हैं। नाउ
हमको चेक करना है कि इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग कब हो पाएगा, जब एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा और बराबर हो, तभी ना हम बोलेंगे कि इंक्रीजिंग हो, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू भी आना चाहिए और जीरो भी आना चाहिए, जीरो भी आना चाहिए। तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं जरा देखिए, अब हम लोग एक्स का वैल्यू किस किस पे चेक करने वाले जरा देखिए, एट एक्स बराबर जीरो पे चेक कर लो, एट एक्स बराबर वन पे चेक कर लो, एट एक्स बराबर माइनस वन पे चेक कर लो, दैट इज एनफ, ये इतना काफी है। अगर आपकी इच्छा है तो और भी चेक कर सकते हैं। हम x का वैल्यू जीरो लेते हैं तो f डैश x का वैल्यू कितना होगा, तो 3 इंटू जीरो का स्क्वायर, तो जीरो का स्क्वायर जीरो, और जीरो को तीन से मल्टीपल करेंगे तो जीरो, खत्म कहानी। जीरो को सिक्स से मल्टीपल किया जीरो, और जीरो को माइनस करेंगे, खत्म कहानी। क्या बन रहा है, सिर्फ थ्री बन रहा है, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। x का वैल्यू वन रखा तो एफ डैश इज इक्वल टू एक्स के जगह पे अगर वन रखेंगे, वन का स्क्वायर कितनी, वन का स्क्वायर वन, और वन को थ्री से मल्टीप्लाई किया थ्री, ठीक है, माइनस सिक्स को वन से मल्टीपल किया सिक्स, प्लस में थ्री, तो थ्री थ्री सिक्स, सिक्स सिक्स जीरो, जीरो आ गया। माइनस वन रखेंगे तो यहां पे आते हैं माइनस वन, कितना आएगा एफ डैश एक्स, थ्री और माइनस वन का स्क्वायर, तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, और वन को थ्री से मल्टीपल करेंगे थ्री, माइनस सिक्स इंटू एक्स के जगह पे क्या रखेंगे माइनस वन, तो यहां हो जाएगा माइनस वन प्लस में थ्री, तो ये तो थ्री और ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि टोटल हो जाएगा ट्वेल्व, दैट इज ए पॉजिटिव वैल्यू। यहां पे क्या पता चल रहा है, हियर एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो से इक्वल भी आ रहा है, जीरो से बड़ा भी आ रहा है, जीरो के इक्वल भी आ रहा है, जीरो से बड़ा भी आ रहा है, सो उसके नीचे लिख दीजिएगा, सो सो इट इज इंक्रीजिंग प्रूव्ड, ठीक है, ये इंक्रीजिंग है और हम लोगों ने इसको प्रूव भी कर लिया। तो कुल मिलाकर हमें ये सिचुएशंस बहुत इजी हैं, और देखिए अगर आपको यही चीजें फर्स्ट टाइम में अगर आप बना रहे थे 6.2 के पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन, तो ये उतना तरीके से आपको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अंत अंत में आपको समझ आने लगा कि आखिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, उसको कैसे चेक किया जाता है, ठीक है, तो हम लोगों ने उसको किया फिलहाल। तो आज 6.2 को पूरे तरीके से एंड करते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखा जाए कि द इंटरवल विच इज इतना इज इंक्रीजिंग इज दैट दैट दैट, यानी कि गिवन है, गिवन y का वैल्यू कितना दिया भाई, x स्क्वायर इंटू e के पावर माइनस x। अब बोल रहा है कि इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग कब होता है, इंक्रीजिंग कब होता है, जब हम लोग यहां पे जीरो के इक्वल एफ डैश x को करते हैं, तभी ना होता है। तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले, तो सबसे पहले dy by dx दैट मीन्स डिफरेंशिएशन, तो इसको मान लेंगे u, इसको मान लेंगे v, तो u इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, u को बाहर निकालो, मैंने x स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, v को डिफरेंशिएशन, तो d e के पावर माइनस x को माइनस x के रिस्पेक्ट में, और माइनस x को अब x के रिस्पेक्ट में, प्लस e के पावर माइनस एक्स को बाहर निकालो, u का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर बेटा डी एक्स, एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, e के पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डीएक्स के रिस्पेक्ट में माइनस वन,
प्लस ई के पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो कुल मिलाकर कितना बन रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर ई के पावर माइनस एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स इंटू 2x। अब ये दोनों में क्या कॉमन हो रहा है जरा बताइए, तो ये दोनों में ई के पावर माइनस एक्स, ई के पावर माइनस एक्स, यहां एक्स स्क्वायर यहां एक्स, तो कुल मिलाकर एक्स भी कॉमन हो रहा है, ई के पावर माइनस एक्स भी कॉमन हो रहा है, तो यहां पे कितना बच रहा है, यहां पे ऑनली माइनस एक्स, यहां पे प्लस 2, ठीक है। अब यहां पे हम इसको बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स का वैल्यू आया। अब यहां पे आप समझो, समझो अच्छे से, यहां पे क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होगा, क्योंकि हम लोग जो इंटरवल निकालते हैं, क्योंकि यहां पे भी तो सवाल भाई बोल रहा है कि एफ एक्स का यानी कि वाई का वैल्यू दिया हुआ है, हमें इंटरवल निकालना है, तो इंटरवल निकालना है, इसका मतलब यह हुआ कि इसका एफ डैश एक्स निकाल लिया। अब जब एफ डैश एक्स आ गया तो अब इसको हम लोग इंटरवल निकालेंगे, तो इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा होगा जरा देखते हैं। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि एक एक्स है, तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट एक्स की जगह पे जीरो करके निकालते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू हो गया जीरो, और एक ब्रैकेट में है माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो, तो माइनस एक्स बराबर हो गया उधर माइनस 2, तो जीरो माइनस माइनस कटा तो एक्स बराबर 2, तो यहां दो तरह का क्रिटिकल पॉइंट मिला, एक जीरो और एक 2, इधर अनडिफाइंड मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब हमको क्या करना है, चेक करना है एक्स का वैल्यू जीरो और इधर के बीच में रखेंगे, तो जीरो और इधर के बीच में रखेंगे तो कितना होगा माइनस 1, तो एक्स की जगह पे जरा माइनस 1 रख के देखते हैं, तो माइनस 1 इंटू ई के पावर माइनस एक्स है तो माइनस माइनस 1 हो जाएगा, ब्रैकेट में माइनस 1 प्लस 2, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा माइनस ई और यहां पे 1 बचेगा, तो किसमें वैल्यू आ गया माइनस में, यानी कि इस डब्बे में जो वैल्यू हुआ वो माइनस वैल्यू हो गया। अब जीरो से टू के बीच में चेक कर लो, जैसे मतलब एक, तो यहां पे एक रखेंगे तो यहां हो जाएगा एक गुने ई के पावर माइनस एक, यहां माइनस एक प्लस 2, तो ई के पावर माइनस एक को लिख सकते हैं 1/e, प्लस में हो गया और 2 में से एक गया एक, यानी कि 1/e क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो इट मींस यहां आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू। और 2 से लेकर अनडिफाइंड तक इन्फिनिटी तक चेक करेंगे, जैसे 3, 4, तो आप खुद चेक करेंगे तो पता चलेगा कि नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो हमें तो इंक्रीजिंग बोल रहा था ना, इंक्रीजिंग बोल रहा था, तो इसमें इंक्रीजिंग में क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है, तो इसलिए यहां पे हम देख पा रहेंगे, सो जीरो से लेकर 2 तक के इंक्रीजिंग हो जाएगा, यहां पे जीरो से लेकर 2 तक के पॉजिटिव वैल्यू है तो यहां पे इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो देन ऑप्शन नंबर इज डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने 6.2 के क्वेश्चंस को पूरी तरीके से एंड कर दिया है। अब जब भी अगले क्लास होगी तो हम लोग 6.3 का कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें जो क्वेश्चंस है उसको फिर सॉल्यूशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।